हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आप सबके स्कूल ओपन हो गए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको मिड टर्म के एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपके मिड टर्म के एग्जाम कब होंगे और कितने मार्क्स के होंगे। इससे पहले एक बात और बता दूं कि सिलेबस जो है वो डीओई ने इशू कर दिया, जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे देख रहे हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के सिलेबस बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में चेक करना अलग क्लास के हिसाब से। देखिए, आपका जो मिड टर्म का जो एग्जाम है ना, वो 25 सितंबर से 13 अक्टूबर तक हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है वो 27 अक्टूबर को आ जाएगा। ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो सर्कुलर में बताया गया ये वही डेट मैं आपसे मेंशन कर रहा हूँ। और पेपर जो है ना आपका मिड टर्म का, वो 3 घंटे के रहने वाला है, और अगर आप 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं तो। और अगर आप 3rd से लेकर 8th क्लास तक हैं तो आपका जो पेपर है वो 2.5 आवर का होता है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी चेंज आता है तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ। अभी हाल ही फिलहाल 2-3 स्कॉलरशिप या जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी भी वीडियोस बनाई है, तो आप वो भी चेक कर लेना, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।